मार्टेंगल के बारे में बताऊंगा कि मार्टेंगल हम कैसे लगाते हैं, कैसे मार्टेंगल का यूज़ होता है और के हमको किस अमाउंट में हमको मार्टेंगल लगाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम आपको वही बताएंगे। तो ये है चार्ट यूरो यूएसडी का, ओटीसी का चार्ट है। तो जैसे कि सपोज दैट ये एक टेलीग्राम सिग्नल चैनल है, ठीक है ना। जैसे कि मैं जो सिग्नल देता हूँ या फिर जो भी आपको पर्सन सिग्नल देते हैं बीआईटी में, वन स्टेप मार्टेंगल के या टू स्टेप मार्टेंगल के, तो उसके बारे में ही मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट जैसे कि सबसे पहले हमने करेंसी कोई भी दी है आपको, सपोज दैट जैसे कि आपके पास एक करेंसी आती है, एग्जांपल के तौर पे यही यूरो यूएसडी हम देख लेते हैं। ये यूरो यूएसडी जैसी करेंसी आपके पास आ गई है, ठीक है ना। तो बस इसके बाद जैसे कि 5 मिनट का ये सिग्नल रहेगा, क्योंकि नॉर्मली जो वन स्टेप मार्टेंगल के सिग्नल होते हैं तो वो 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के सिग्नल होते हैं। तो इसको हम 5 मिनट से सिलेक्ट कर लेते हैं कैंडल को। तो ये हमारा 5 मिनट का कैंडल सिलेक्ट हो गया है। तो अभी देखते हैं थोड़ा मार्केट को। सॉरी गाइस, तो थोड़ा मेरा फ़ोन आ गया था अर्जेंट। अभी सपोज दैट यहाँ पे किसी ने सिग्नल दिया आपको 5 मिनट का, ठीक है। सबसे पहले आपको 5 मिनट देख लेना है कि 5 मिनट कैसे सिलेक्ट करना है। तो नॉर्मली यदि आपका डिजिटल पेयर पे यदि आप वो कर रहे हो ट्रेडिंग, सपोज दैट यूरो यूएसडी डिजिटल पे आपने ट्रेडिंग किया, ठीक है ना, तो उसमें भी आप 5 मिनट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये 5 मिनट यहाँ से ये 5 AM लिखा है ना, ये सिलेक्ट करना है। वो कब करना है, जैसे कि आप नीचे टाइम देख रहे हैं 15:23 और ये इसके पीछे सेकंड चल रहा है। तो यहाँ पर 15:15.24.30 के आसपास जब टाइम होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दोनों में ही आपको ऐसी तरह से सिलेक्ट करना है, दोनों का टाइम एक ही तरह से चलेगा। आपको पहले से टाइम नहीं चूज़ करना है, ठीक है। सपोज दैट अभी आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ मैं। जैसे कि ये आ गया 5 मिनट का एक्सपायरी टाइम, ठीक है ना। तो अभी जस्ट अपने को अभी भी टाइम एक्सपायरी टाइम चूज़ नहीं करना है। आई की ऑप्शन है, बाकी अदर ब्रोकर में आप कर सकते हो, बट आई की ऑप्शन में नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है 15.29, तो यहाँ पर दिखाना चाहिए 15.30 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये आ गया, मतलब ये एक्सपायरी टाइम है, जब तक हमारा एक्सपायर होगा सिग्नल। तो आप इसमें भी चूज़ कर सकते हैं बाइनरी में, और इसमें भी आपको वही टाइम आएगा सेम टू सेम, ये इसमें भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बाइनरी में ट्रेड ले रहे हैं, तो बाइनरी में देख लेते हैं। बाइनरी डिजिटल वैसे होता तो सेम ही है, बहुत आर सेम। जस्ट अ मिनट, सपोज दैट यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा है किसी ने अपने को यहाँ पे, यहाँ पे ये कॉल का सिग्नल दिया, ठीक है। तो अपन को यहाँ पर जो अपन ने 5 मिनट सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से अपन ने ये कॉल के लिए लगा लेते हैं। थोड़ा सा लेट लग गया, वो जस्ट आपको वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट लगा दिया मैंने। तो इस तरह से आपको ये ट्रेडिंग करना है, ये टाइम ज़रूर देख लेना है आपको, ठीक है ना। और देखिए, ये कॉल पे था, ये कॉल था, तो आपको ये कॉल हायर के लिए प्रेस करना है। और एक स्टेप मार्टेंगल अभी तो नहीं है, ठीक है, अभी तो शायद हो सकता है हम ये ट्रेड एक ही बार में बिन कर जाते हैं। यदि बिन नहीं करते हैं तो फिर एक स्टेप मार्टेंगल लेंगे। वो कैसे लेंगे, सपोज दैट जैसे कि ये हमारा ट्रेड अभी पॉजिटिव जा रहा है, तो वो ट्रेड हमारा नेगेटिव जाता, वो ट्रेड यदि वो कैंडल रेड बनता तब जाके हम एक और ट्रेड प्लेस करते $25 का, ठीक है ना। पहला ट्रेड $10 का, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर $1 का, और सेकंड ट्रेड हम प्लेस करते $25 का। लेकिन ये तो हमारा विन हो रहा है, यदि विन नहीं होता उस कंडीशन में हम
एक और ट्रेड ओपन करेंगे। कब करेंगे? जब ये ट्रेड आपका क्लोज हो जाएगा पूरी तरीके से, जब ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा तब जाके वो नेक्स्ट ट्रेड हम ओपन करेंगे। वो भी सेम टाइम फ्रेम के लिए रहेगा, 5 मिनट के लिए ही रहेगा। मतलब नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा उस कैंडल पे हमको ट्रेड लेना है 5 मिनट के लिए। अभी देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ये होता है 1 स्टॉप मार्टेंगल, ठीक है ना। अभी तो कोई हमने मार्टेंगल नहीं लगाया, अभी तो हमने सिंपल ट्रेड लिया इसमें, जैसे कि आप भी सिंपल ट्रेड ले सकते हैं इसमें। तो मार्टेंगल की वो जब पड़ेगी हमको तो हम ज़रूर लेंगे मार्टेंगल। तो देखते हैं, थोड़ा वीडियो को मैं पॉज करता हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा ये, थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। अभी देखिए, जैसे कि ये ट्रेड नेगेटिव जा रहा है अभी, तो इसको बोलते हैं मतलब ये ट्रेड हमारा हो सकता है लॉस हो जाए। तो हम एक और ट्रेड ओपन करेंगे 5 मिनट के लिए, सेम डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन हमारा कॉल का था, तो कॉल के लिए ही हम एक और ट्रेड ओपन करेंगे। तो देखते हैं ये ट्रेड का रिजल्ट, तो जहाँ तक लग रहा है मेरे को नीचे ही जाएगा। फिर ये हम ट्रेड लॉस करते हैं तो एक बार और हम हायर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। कितने मिनट के लिए? सेम टू सेम 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है मार्टेंगल। अभी जैसे कि आप ये लाइव देख सकते हैं, लाइव ट्रेड ये पूरा ही नीचे तक आ गया है, और अभी भी हमको टाइम सिलेक्ट नहीं करना है 5 मिनट का, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। कि न्यू चार्ट आ गया तो न्यू ओपन करो ऑप्शन, यदि जो हमारा लूज होता है तो, ठीक है ना। ये जैसे कि पहला ट्रेड था हमारा $10 का, तो सेकंड ट्रेड हमारा होगा $25 का। यहाँ से हमने ये 5 मिनट सिलेक्ट किया, 15.35 का हमारा एक्सपायरी हो जाएगा, मतलब 5 मिनट का एक्सपायर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर सेकंड चल रहा है 55, 56, 57, देन अप लगा देना आपके लिए, ये अपना ट्रेड लग गया, ठीक है ना। 1 से 2 सेकंड पहले आपको ट्रेड लगाना है। अभी देखते हैं क्या होता है, वैसे मार्केट तो नीचे ही आ रहा है कंटिन्यू, लेकिन ये होता है मार्टेंगल, ठीक है ना। जो मैंने सब ये वीडियो आपके लिए व्हाट इज़ मार्टेंगल के लिए बनाया, मतलब व्हाट इज़ मार्टेंगल, क्या मार्टेंगल क्या होता है, उसके लिए ही मैंने आपको ये वीडियो बना कर दिखा रहा हूँ अकेला। इसमें कभी कभी 1 स्टेप सब कोई ट्रेडर्स 2 स्टेप मार्टेंगल भी देते हैं, तो 2 स्टेप में ये इसका डबल हो जाएगा, 15 मतलब कि $50 हो जाएगा इसका ये। तो यही सब रहता है, बाकी इसके अलावा ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि बड़ा कुछ चीज़ है, ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं है मार्टेंगल, ठीक है ना। जैसे कि ये ट्रेड पॉजिटिव जा रहा है तो हो सकता है ये ट्रेड हम विन कर जाएँ, ठीक है ना। तो वीडियो को थोड़ा मैं पॉज कर देता हूँ। अभी ये वीडियो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बाकी मार्टेंगल तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि मार्टेंगल होता क्या है। ये वीडियो मैं बार बार इसलिए पॉज कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है ना। अभी ये लास्ट सेकंड चल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको मार्टेंगल तो समझ में आ ही गया होगा कि मार्टेंगल होता क्या है। तो ये जैसे कि ये हमारा पॉजिटिव हो गया, तो जो हमारा $10 गया था वो तो हमारा वापस आ ही गया, साथ में ये $13 का हमको प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं मार्टेंगल। तो ये प्रॉपर मार्टेंगल का वीडियो था जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।
ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा मार्टेंगल क्या है। जैसे पहला ट्रेड लिया था हमने $10 का, सेकंड ट्रेड हमारा हो गया $25 का, उसमें से प्रॉफिट हमको मिला $23.25 का प्रॉफिट, ठीक है ना। तो उसमें से $10 हम माइनस कर देंगे तो हमारा 13.25 डॉलर का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, मतलब $13 का हमारा प्रॉफिट होगा। थैंक यू दोस्तों, और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपके यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं।